सारी देश की 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। सुना आप लोगों ने, एक गठबंधन बनाया देश की 28 पार्टियों ने मिलकर, उसका नाम रखा इंडिया। 28 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। इन लोगों को इतनी चिढ़ मची, ये बीजेपी वाले इतने बौखला गए, बोले हम भारत का नाम बदलेंगे, अब इंडिया नहीं बोलेंगे। अरे तुम्हारे पिताजी का इंडिया, 140 करोड़ लोगों का इंडिया है, 140 करोड़ लोगों का इंडिया, तुम्हारे पिताजी का इंडिया नहीं है। इंडिया हमारे दिल में बसता है, भारत हमारे दिल में बसता है, हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। अरे किस किस के दिल से निकालोगे तुम इंडिया? एक बार जोर से सारे जने बोल दो, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। हम अपने भारत से प्यार करते हैं, भारत माता की, भारत माता की। हम अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, सारे जहां से अच्छा। मैं बीजेपी वालों को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो इंडिया का नाम बदल के दिखाओ तुम। 140 करोड़ लोगों का इंडिया है, 140 करोड़ लोगों के दिल में बसता है इंडिया। थोड़े दिन पहले तक, पिछले साल तक ये लोग प्रोग्राम चलाते थे, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या क्या था, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, हाँ जी, ले देखो इंडिया, ये इतने प्रोग्राम चलाते थे इंडिया इंडिया पे। ऑपोजिशन वालों ने अपना नाम इंडिया रख लिया तो कहते हम इंडिया नाम बदलेंगे, कल हम लोग अपना नाम भारत रख लेंगे तो तुम भारत का भी नाम बदलोगे। सारा देश इस बात से ज्यादा दुखी है। हमारा पहला दुख है कि हमारे 4 आर्मी ऑफिसर्स शहीद हो गए। हमारा दूसरा बड़ा दुख है कि हमारे देश, जब वो हमारे जवान, हमारे आर्मी ऑफिसर शहीद हो रहे थे और मुठभेड़ में मारे गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर जश्न मना रहे थे। तीसरा बड़ा दुख है, आज 4 दिन हो गए इस बात को, 4 दिन पहले वो मुठभेड़ में शहीद हुए थे, अभी तक प्रधानमंत्री ने उनके दुख में 2 शब्द नहीं बोले हैं, एक ट्वीट नहीं किया। हर चीज पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री, हर चीज पे ट्वीट करने वाले गृह मंत्री, हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए आतंकवादियों से मुठभेड़ करते करते, क्या मजबूरी है? आपके मुंह से जबान क्यों नहीं निकल रही है? आपको क्या दुख नहीं होता?